अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहज़ाद एंड यू आर वाचिंग सी आर नॉलेज। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास डायग्राम हम प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं और किस सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो चलते हैं आप अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग अपने विजियो को इंस्टॉल करेंगे। विजियो को इंस्टॉल करने का तरीका आप लोग वैसे भी अगर जाएं गूगल पे तो आप सिर्फ उधर लिखें विजियो आप 2016 को निकाल सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर लें। ये हमारा विजियो ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, वैसे तो ये सामने आया पड़ा है लेकिन अब हम लोग इधर जाएंगे, देखेंगे सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, इधर आए, इधर हमने अपनी यूएमएल क्लास को देखना है। यूएमएल क्लास ये रही हमारी। अब यहाँ से हमने ब्लैंक ब्लैंक जो है इसको क्रिएट करना है और ये आगे फिर हम लोगों ने इसको, अब ये देखिए इसके ऊपर आ रहा है कि ये क्लास है। हम इसको अगर क्लास जैसे एक हमारे पास शॉपिंग की हम लोग कर लेते हैं तो ये हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर हम क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम हमारे पास, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग शॉपिंग पे काम करेंगे, तो यहाँ पर एक कस्टमर की क्लास है हमारे पास। उसके नीचे हम मेंबर नेम उसका जो उसके एट्रीब्यूट होंगे उसका बताएंगे। एट्रीब्यूट में हमारे पास उसका जो एक नेम होगा, और मैंने ये भी कहा था कि एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा प्राइवेट रहेंगे, तो उसका एक नेम होगा, एक नेम। उसके आगे हमने इसकी ये बतानी है कि हमारे पास नेम टाइप क्या होगी। नेम स्ट्रिंग टाइप का होता है, वो इंटीजर तो हो नहीं सकता। फिर दूसरे जगह पे हमारे पास आ जाएगा कि हमने उसकी एक आईडी भी होगी, एक कस्टमर की आईडी होगी, आईडी इंटीजर टाइप की होगी। अब इसके बाद इंटीजर या हम नंबर रख लेते हैं या इंटीजर। और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग इसका एक एड्रेस रख लेते हैं, अभी फ़िलहाल यही काम करते हैं। और एड्रेस भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा क्योंकि उसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें फंक्शंस में आ जाते हैं हम लोग। फंक्शंस पे क्या होगा, एक हमारे पास प्रोडक्ट, इसका जो कस्टमर होगा वो प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है। एक व्यू का हमारे पास फंक्शन होगा। अब जो ये होगा, ये हमारे पास एक तो प्लस होगा क्योंकि पब्लिक, और दूसरा इसकी रिटर्न टाइप हम लोग वाइड रखेंगे, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, और ये सब के साथ ही हम लोगों ने वाइड ही रखना है। उसके बाद वो पेमेंट कर सकता है। पेमेंट पेमेंट में वो ये भी वाइड होगा, यहाँ तक हमने इतना ही बनाना है, ठीक है। इसके बाद अब हम एक और क्लास निकालते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। अब इस क्लास का नाम हम रख लेते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट की कोई आईडी होगी, एक उसकी आईडी होगी, और हम इसमें ये, और इसकी जो टाइप होगी वो नंबर टाइप होगी। उसके बाद प्रोडक्ट का कोई नेम होगा, और ऐसे ही उसके आगे कुछ और जो भी एट्रीब्यूट बन सकते हैं वो बना लें, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब एक इसका कोई जो प्रोडक्ट का कोई फंक्शन कर लें कि कोई इसका एक फंक्शन कर लें कि अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। इधर भी उसकी रिटर्न टाइप वाइड ही रखेंगे, हमने इसकी जो रिटर्न टाइप है वो सब में वाइड रखनी है। अब हम इसका रिलेशन बताते हैं कि रिलेशन कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर इनहेरिटेंस आ रहा है, ये इंटरफेस और ये एसोसिएशन आ गए, तो हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। अब इसके साथ इसको मिला देना है, ठीक है। अब हमको, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम लोग इसमें रिलेशन कैसे दें, तो इसके ऊपर ये क्लिक करें, शो मल्टीप्लिसिटी पे आए, और यहाँ पर हम लोग रिलेशन दे सकते हैं।
तो हम मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, इधर क्लिक किया, ये यहाँ पर आ रहा है शो मल्टीप्लिसिटी। अब देखे कस्टमर क्या, कस्टमर ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के लिए कोई कस्टमर हो, ऑप्शनल हो सकता है ना, प्रोडक्ट ऐसे भी पड़ी रहे, क्या पता कि कोई लेने वाला ही ना हो, कोई कस्टमर ही ना बने। और इसी तरह कस्टमर के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट ले के ही जाए, तो हमारे पास क्या, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही कस्टमर हो, मैनी भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शनल देते हैं 0 और मैनी, और मैनी का मैंने आपको सिंबल बताया था क्या होता है ये वाला। अब हम इसको आगे बड़ा भी कर सकते हैं इधर से, देखिए यहाँ पर इसकी जो दी हुई है साइज वो ओनली 8 दिया हुआ है, आप इधर से इंक्रीज कर सकते हैं 14, ठीक है, और 0 को तो वैसे ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आना है 0 और मैनी, और इधर से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देख ये तो बाकी जो है क्लासेस आप इसी तरह आगे बनाते जाएं, इसी तरह आप आगे सारी क्लासेस बननी है, आप उसके साथ रिलेशन दें उनका और बनाते जाएं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।